सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं राजेश शर्मा श्री कृष्ण प्रॉपर्टी से आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर का दसुआ कस्बा जो है उससे कुछ 14 किलोमीटर अंदर एक ज़मीन है, पीस ऑफ लैंड है, नियर अबाउट 37 एकड़। ये जो 37 एकड़ लैंड है इसमें मोस्टली सारे में सफ़ेदा लगा हुआ है और सागवान है। सागवान आप देख सकते हो कितना मोटा है और कितना लेंथ में है। ज़्यादा इसमें 2-3-4 एक नियर अबाउट सागवान के हैं जो कि काफ़ी मोटा है और लकड़ी इसकी तैयार है, और बाकी इसमें सफ़ेदा है। सफ़ेदे से भरा पड़ा ये जंगल है और सारे फार्म में हम इजीली घूम सकते हैं। यानी कि 37 एकड़ है, जो एकड़ का साइज है वो है 3680 गज। ज़मीन बीच में खेत हैं, ढलान है, सागवान देखो कितना मोटा है और बल्ली मेल से प्लस बीच में सफ़ेदा है। 37 एकड़ पूरा जो ज़मीन है इसकी जो नेचर है बरानी बंजर है, पूरी गाड़ी बीच में घूमती है, बीच में एक मकान भी बना हुआ है। और ये देखिए कितनी नेचुरल ब्यूटी नज़र आ रही है पहाड़ों के बीच में, बरानी बंजर ज़मीन। आप चाहो तो टोटल लैंड में अपनी गाड़ी घुमा सकते हो, ट्रैक्टर ट्रॉली सारी जगह जाती है। और इसमें ये जो लकड़ है, यानी कि करोड़ों के हिसाब से लकड़ है इसमें, ये बल्ली मेल क्रॉस कर चुका है और बीच में काफ़ी सफ़ेदा, और काफ़ी इसमें जो क्रॉप्स है ज़्यादा सफ़ेदे की है, और इसकी घनत्व है यानी कि काफ़ी संघना भी लगा हुआ है, और अप्रोक्सीमेटली 37 एकड़ टोटल बाउंड्री बाल है। फार्म में टोटल बाउंड्री बाल हो रखा है और ज़मीन जो है ये मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है। 37 एकड़ लैंड और इसके साथ में 14 एकड़ और लैंड है, टोटल 51 एकड़ लैंड है। इसमें भी दो बेडरूम सेट बने हुए हैं और जो साथ में 14 एकड़ उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक बहुत बढ़िया कोठी, फार्म हाउस, शेड के लिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए सारे साधन बने हुए हैं। बाकी आपको यानी कि ऐसा फार्म हाउस, इतनी अच्छी डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम देखी है मैंने। यानी कि जिसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, वो ये प्रॉपर्टी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी घूमना पड़ेगा हमें। टोटली फर्टाइल लैंड, और मोरों की आवाज़ आती है इसमें। टोटल फेंसिंग हो रखी है, 99.9% सालम नंबर है। इतना सुंदर दृश्य है, बढ़िया है। यदि कोई फार्म और रिजॉर्ट भी यूज़ करना चाहे तो उसके लिए भी ये यूज हो सकती है। अप्रोचेबल लैंड है, गाड़ी जाती है, मोस्टली सभी प्रकार की। यदि आप और भी बीच में कोई इरिगेशन का सोर्स डेवलप करके कुछ और भी करना चाहो तो आप कर सकते हैं। धरती के नीचे पानी बहता है और जो कि 12 महीने पानी चलता रहता है, उसे ये पता लगता है कि धरती में पानी अच्छी मात्रा में है। इतनी मात्रा में, इतनी बढ़िया तरीके से, इतने बढ़िया फार्म हाउस में जो इसकी डेवलपमेंट है, काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। क्योंकि फार्म इज डेवलप्ड बाय साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक टेक्निक से ये फार्म डेवलप है। यानी कि इस फार्म में आप अपनी गाड़ी से टोटल फार्म में अराउंड अप कर सकते हो, घूम सकते हो।
कईयों का होता है कि हमने नेचुरल लैंडस्केपिंग करनी है, लैंडस्केपिंग ऑलरेडी ही इसकी लैंडस्केपिंग हो रखी है, क्योंकि लैंडस्केपिंग के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इस पर एक्सपेंसिस नहीं आएगा। और लेकिन ये लैंड जो है आज सफ़ेदे देखिए आप, दो दो फीट से मोटाई हो गई है इनकी। दो फीट प्लस मोटे सफ़ेदे हैं।